वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। यहाँ पे हमारे पास दो वॉचेस हैं, एक तरफ है ये वाली वॉच, ये कौन सी है, मिस्टिक फायरबोर्ड की अभी आई हुई है, और ये है आपकी डैगर 1.43 इंचेस के डिस्प्ले के साथ, ये 1.32 इंचेस के डिस्प्ले के साथ है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, दोनों ही सेम लगी मेरे को, मैं इसलिए कंपेरिजन लेके आ रहा हूँ। एमोलेड डिस्प्ले मिलती है बट ये थोड़ा सा फॉर्मल लुक में आती है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में आती है। इसको मैं पर्टिकुलरली यूज़ भी कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी वॉच है, सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसमें भी आपको सिंगल ब्लूटूथ चिप कनेक्टिविटी मिलती है बट यहाँ पे देख सकते हो दोनों में ही एक चीज़ अच्छी मिलती है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट हुए भी काम करता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एल्युमिनियम की पूरी केसिंग मिलती है इसमें आपको, बैक पॉलीकार्बोनेट है, और यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक मिलता है साइड में, बट ये ऊपर का जो रिंग है ये मेटल एल्युमिनियम मिलता है। ठीक है, पीछे की साइड डेडिकेटेड SP2HR मोटर के लिए सेंसर में जाते हैं, डेडिकेटेड दोनों में ही, और 22mm स्ट्रैप साइज इसमें यूज़ किया गया है आपका डैगर में, और इसका स्ट्रैप है 20mm। ठीक है, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा पाओगे। ठीक है, 20mm का होना चाहिए। और गाइस प्राइसिंग जो है ये 3800 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है ऑन Amazon, और ये जो अवेलेबल है ये आपकी 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है ऑन Amazon, 2999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, अच्छी डील है। जिसके लास्ट मीडियम टू थिन रिस्ट है, मतलब ये वो लोग जा सकते हैं इस वॉच के लिए, बट जिसके लास्ट मीडियम रिस्ट है वो इस वॉच के लिए जा सकते हैं। ये लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए बनी है, थिन रिस्ट के लिए नहीं बनी है वाली वॉच। ठीक है, और उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे साइड बाय साइड देखें तो यहाँ पे बटन थोड़ा सा फ्लश मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बाहर निकली हुई बटन मिल जाती है, दोनों में ही रोटेटेबल कुछ टाइप का ऑप्शन नहीं मिलता है एस एच, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्लीन है। और पीछे की साइड यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ यहाँ पे आपको माइक कमेंट मिल जाता है, यहाँ पे आपका माइक कमेंट कहाँ है ये रहा स्पीकर। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अदर फीचर्स की, तो वैसे आप चैनल पे आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, आपको यहाँ पे टॉगल मेनू मिल जाता है दोनों में ही, ये आपको फायरबोल्ट की लेगेसी टाइप का टॉगल मेनू मिलता है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट ही मिलता है, ये यूआई पूरा डिफरेंट है आपका डैगर में। ठीक है, और यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको टॉर्च लाइट का ऑप्शन इस वाले में नहीं मिलता है। ठीक है, मोड चेंज कर सकते हो यहाँ से भी, यहाँ से भी कर सकते हो आप, इधर जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो मोड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इस पर आई गेस हाँ इस पर ऑन ऑफ कर सकते हो मीडिया ऑडियो। ठीक है, सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों मिल जाती है, मेन्यू स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 3-2 मिल जाते हैं, 1-2-3। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पे आपको सिस्टम में जाते हो, डिस्प्ले में जाते हो, यहाँ पे ऊपर मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं, इसमें भी 3 मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका कहाँ गया ब्राइटनेस सब दोनों में अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे ब्राइट दोनों ही हैं, बट डैगर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है इससे, मतलब डैगर मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट मिलती है एज़ कम्पेयर टू आपकी इस वाली, ये वाली मतलब 100 या 150 निट्स की ब्राइटनेस एक्स्ट्रा मिलती है डैगर में, आप समझ लो। ठीक है, स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 30 सेकंड तक का मैक्सिमम मिल जाता है, और इसमें आपका इसमें भी आपको मिल जाता है यहाँ पे डिस्प्ले में जाके स्क्रीन टाइम, ये रहा यहाँ पे 9 सेकंड का ही मिलता है मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे 30 सेकंड मिल जाता है, और रेस्ट टू वेक ऑप्शन मिल जाता है, AOD क्लॉक मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, AOD क्लॉक दो ही मिलती है, इसमें भी आपको दो ही मिलती है। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये फ्लॉ है कहीं ना कहीं। आगे बढ़े यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं, लेफ्ट साइड में स्वाइप करने पे आपको ये मेन्यू खुल जाता है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन खुल जाता है, नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अगर हम चले मेन्यू में तो यहाँ पे टेलीफोन का ऑप्शन मिलता है सब फर्स्टली, तो यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, दोनों ही एक ही फ़ोन से कनेक्टेड है तो मैं एक एक करके सुनाऊंगा आपको लाउडनेस। तो काफ़ी लाउड है डेफिनेटली, यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता इसमें। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, लाउडनेस कम है डेफिनेटली, और सेम मतलब इसमें भी मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब वो ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, बैक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, अप टू 10 कॉन्टैक्ट को सेव कर पाओगे, कॉल रिकॉर्ड मिल जाता है, डाटा और वर्कआउट मोड मिल जाता है इसमें आपको, वर्कआउट पे चलते हैं, यहाँ पे भी वर्कआउट पे चलते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं दोनों में से किसकी बेटर मिलती है। 50 स्टेप्स में चले यहाँ पे, और यहाँ पे 60 दिखा रहा है इसमें, और इसमें 48 दिखा रहा है, तो डैगर में थोड़ी सी बेटर एक्यूरेसी मिलती है इससे। स्टॉप करते हैं यहाँ पे, बैक करते हैं, उसके बाद वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, और इसमें आपका वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब आपका इसमें जो फायरबोल्ट की मिस्टेक है इसमें वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता। और यहाँ पे हार्ट रेट मीटर चेक कर लेते हैं, ओल्ड द एयर एक बार, वॉच प्रॉपरली बोल रहा है इसको पहनने के लिए, और यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, वैसे डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है वॉच SP2HR मोटर के,
तो गैस यहाँ पे आउट ऑफ द एयर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है दोनों ही वॉचेस में। अच्छी बात है यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती हैं। बैक करते हैं यहाँ पे, मैसेज नोटिफिकेशन वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, म्यूजिक प्ले भी कर सकते हो वॉच मेट से, दोनों में ही वो ऑप्शन मिलता है। अलार्म क्लॉक इन द वॉच नहीं लगा सकते, थ्रू द एप्लीकेशन आपको लगाना पड़ता है। और यहाँ पे गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता आपको डैगर में, ठीक है। और इसमें आगे बढ़े यहाँ पे तो इसमें म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, स्टॉप वॉच है, अलार्म वॉच में नहीं लगा सकते, फाइंड माई फोन है, सेटिंग का ऑप्शन है, दैट्स इट। तो ये सारी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी काम करते हैं लाउडनेस भी हमने चेक ही कर ली यहाँ पे, उसके साथ वेट चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम ऑक्सीमीटर के साथ चेक कर लेंगे एक्यूरेसी। डैगर को चेक करते हैं सबसे पहले, काफ़ी अभी है शायद 66 ग्राम्स की है बेसिकली, और इसको मैं वो करता हूँ, अब ये रखते हैं 43 ग्राम्स की, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम्स का अंतर है यहाँ पे, ये ज़्यादा हैवी है। अब हाथ में पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों की ही। पहन लिया, काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे, ये लास्ट मीडियम टू थिनेस्ट पे चल जाती है, लास्ट मीडियम पे ही चलेगी आपकी, ध्यान रखना आपको। ऑक्सीमीटर को भी मैं वेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम ओपन कर लेते हैं आपका हार्ट रेट, और यहाँ पे भी हार्ट रेट ओपन कर लेते हैं। ऑक्सीमीटर में रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे, 95 दिखा रहा है हार्ट रेट और 98 हमारा स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 90 दिखा रहा है, 92, तो क्लोज टू एक्यूरेट है यहाँ पे, देख सकते हो 987 हो चुका है, यहाँ पे भी क्लोज टू एक्यूरेट है। और ये आपका थोड़ा सा डैगर थोड़ी सी पीछे रहेगी इस बार, बट यहाँ पे ये वाली वॉच अच्छा परफॉर्म कर रही है आपकी, जो मिस्टेक है, ठीक है। अब गाइस स्पीड चेक करते हैं, वैसे मैं एसपीओ2 के लिए रिकमेंड नहीं करता आप सभी को। देखो गाइस डैगर क्या है कि मतलब लाउडनेस में बेटर मिलती है और थोड़ा सा स्पोर्टी लुक लेके आती है, ठीक है। ओवरऑल फीचर सेम है दोनों में ही, बट डैगर में एक चीज़ और है प्लस पॉइंट, जो है वॉइस असिस्टेंट, जो कि आपको इसमें नहीं देखने को मिलता, जो है आपकी मिस्टेक, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरा वोट जाता है थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी भी डैगर की अच्छी है, डैगर का मेरा वोट जाता है। 800 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको कैमरे बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, दूसरा लाउडनेस बेटर मिल रही है, तीसरा वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल रहा है, दैट्स इट। वरना तो सारी चीज़ सेम ही है दोनों में, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाना मैं भूल गया यहाँ पे, क्या मोड चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग में जाके, यहाँ पे कुछ मोड चेंज करने का ऑप्शन है, ये रहा वाइब्रेशन इंटेंसिटी, आप बड़ा घटा सकते हो, दैट्स इट। यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हो प्रॉपरली, इसमें चेक करते हैं इंटेंसिटी, आप यहाँ पे भी ऑफ कर सकते हो, यस ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल कहीं ना कहीं दोनों में ही फंक्शन सेम ही है। तो गैस यहाँ पे मेरा वोट वैसे डैगर को जाता है, बट अगर आपका थिन रिस्ट है तो आप डेफिनेटली मिस्टेक के लिए जा सकते हो। तो गैस ये थे डिटबंग कंपेरिजन, अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है इस वॉचेस के बारे में तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।